नमस्कार दोस्तों, एसएम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी, जिसके अंतर्गत आपको आज मैं फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगी। मौलिक अधिकार जो है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिसके बिना मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में रखा गया है। मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। उसके बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार को परिभाषित किया। 1967 में क्या 1967 में और 1789 का मूल 1789 में मूल अधिकार लिखित रूप से फ्रांस में जारी किया गया। 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई। प्रारंभ में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, वर्तमान में मौलिक अधिकार संख्या 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में देखते हैं मौलिक अधिकार संख्या कितनी है, 6 है। क्या क्या है देखिए, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, समता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ये है आपके मौलिक अधिकार। वर्तमान में जो भी 6 मौलिक अधिकार है ये है। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता और कानून का संरक्षण सबको को प्राप्त होगा। जबकि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य द्वारा नागरिकों के बीच धर्म, जाति, रंग रूप को बिना रंग रूप लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 में कहा गया है। आर्टिकल 16 में यह कहा गया है कि राज्य द्वारा नागरिकों के बीच सार्वजनिक नियोजन के संबंध में, मतलब सार्वजनिक नियोजन जो होता है उसके संबंध में केवल जाति, धर्म, लिंग और रंग, वेशभूषा, जन्मस्थान के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये कहा गया है। बाकी देखिए आर्टिकल 17 में यह कहा गया है अस्पृश्यता का अंत इसमें किया गया। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। तो इसमें आर्टिकल 19 है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें यह दिया गया है किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, निम्नलिखित आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे मान हानि, प्रतिबद्धता, नैतिकता, न्यायालय का अवमानना, ये सारे चीज उसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत का दूसरे देश के साथ मैत्री संबंध, भारत का जो है दूसरे देश के साथ मैत्री संबंध, भारत की सुरक्षा, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सब अधिकार इसमें है। नागरिकों के इस अधिकार में कटौती की जा सकती है शांति भंग करने का अधिकार से, शांति भंग करने के अधिकार से, ठीक है। आगे देखिए संघ बनाने की स्वतंत्रता अधिकार है, संघ बनाने का स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। किसी प्रकार का पैसा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी खास प्रकार की पैसा के लिए, किसी भी खास प्रकार की पैसे के लिए, किसी खास प्रकार की पैसे के लिए किसी खास प्रकार की विशेषज्ञता का निर्धारण करें। किसी भी खास पैसा का जो आप ये कीजिएगा, पैसा के लिए आप निर्धारण कीजिएगा, तो उसमें आपको खास तरह की विशेषज्ञता चाहिए। ये आर्टिकल आपका जाके 19 में कहा गया है। अब मैं आपको बताती हूँ स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार का आर्टिकल 19 से 22 के बीच का अधिकार जो है वो मैं आपको बताऊंगी। भारत के अंदर कहीं भी स्वतंत्रता का अधिकार है घूमने का, आगमन, भारत के अंदर कहीं भी आप आ जा सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, भारत के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं। दूसरा जो है शांति भंग होने के कारण किसी खास जनजाति की सुरक्षा के लिए, दो और चीज है। बाकी जो है भारत के अंदर किसी भी जगह रहने की स्वतंत्रता है आपको, भारत में कहीं भी जगह पर रह सकते हैं, बस सकते हैं, ये सब चीजों का आपको स्वतंत्रता है। आगे जो है आर्टिकल 20 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी भी जो व्यक्ति है उसको एक ही अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाता है, एक ही अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को। इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार में ये सारे चीज अधिकार दिया गया है। जैसे आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं देही स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण और देही स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल आपका जाके 21 में, आर्टिकल 21 में, ठीक है।
अब आर्टिकल 22, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, ठीक है, अनुमति के बनाकर मजिस्ट्रेट सामने पेश किया जाना चाहिए। अब मजिस्ट्रेट की अनुमति बनाकर नहीं रखा जा सकता है, और किसी व्यक्ति को 24 घंटे के बाद भी बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता है मजिस्ट्रेट की अनुमति के बगैर। एक तो वो हो गया कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट सामने पेश किया जा सकता है, और दूसरा ये है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति बगैर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के बाद बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता है, ये अधिकार है। अब किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब किसी व्यक्ति को मनोनुकूल वकील करने का भी अधिकार है। अब आर्टिकल 23 क्या है? आर्टिकल 23 ये है कि मानव का खरीद फरोख्त अब बलात् श्रम वर्जित है। अब लास्ट आपको मैं ये बताऊंगी आर्टिकल आपका जाके धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार आर्टिकल 25 से 28 है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 है, संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इस विषय में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है। अगर मैं एक एक आर्टिकल का चर्चा करूंगी तो ये टॉपिक बहुत बड़ा होता जाएगा, इसलिए मैं आज के टॉपिक के लिए मैं आपको इतना ही बता रही हूँ संक्षेप में, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं सारे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसके बारे में चर्चा करूंगी। ओके फ्रेंड्स, शुभ रात्रि। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। गुड नाइट।